तो बेटा अभी टाइट्रेशन में हम एक बार कंबाइन कर लेते हैं कौन कौन से स्टेप हम कर चुके हैं। तो सबसे पहले आप एम हमने लिखा है बोर्ड पे कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपको प्रिपेयर करना है, उसको यूज करके आपको मोलैरिटी और स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है अननोन के वन फोर सॉल्यूशन की। सेकेंड है मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या मटेरियल आपने यूज किया इसमें, तो इसमें इसको टू पार्ट में डिवाइड करोगे, केमिकल रिक्वायर्ड एंड एपरेटस। केमिकल जैसे मोहर सोल्ट हो गया, KMnO4 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, तो केमिकल में आप तीन ही डालोगे। उसके बाद एपरेटस रिक्वायर्ड, कौन कौन से एपरेटस आपने यूज किए हैं, तो जैसे ब्यूरेट यूज कर रहे हो आप, ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क हो गया, फनल हो गया, पिपेट हो गया, ठीक है, इस तरीके से आप यूज करोगे। थर्ड है आयनिक इक्वेशन, थ्योरी में सिर्फ आयनिक इक्वेशन लिखोगे और कुछ भी नहीं लिखोगे, सिर्फ आयनिक इक्वेशन लिखी जाती है फाइनल एग्जाम में, तो आयनिक इक्वेशन मैंने आपको समझाई थी लास्ट वीडियो में। उसके बाद है इंडिकेटर यूज, कि यहाँ पे हम इंडिकेटर कौन सा यूज कर रहे हैं जो कि एंड पॉइंट बताएगा। हमने क्या किया बेटा, ब्यूरेट के अंदर हम भरते हैं KMnO4 को, इस ब्यूरेट के अंदर हम KMnO4 फिल करेंगे, पोटेशियम पर मैंगनेट, जो कि डीप वायलेट कलर का है, इसको आप हमेशा ध्यान रखना, जो डीप कलर का है, जो इंटेंस कलर का है, जो वायलेट कलर लिक्विड है, उसे हम ब्यूरेट में फिल करेंगे। कॉनिकल फ्लास्क में हम डालेंगे 10 मिलीलीटर मोहर सोल्ट, जो कि हम पिपेट आउट करके डालेंगे, विद हेल्प ऑफ पिपेट डालोगे, तो पिपेट आपको मैं दिखा देती हूँ, इसे पिपेट बोलते हैं, तो इसको लिखा भी है 10 मिलीलीटर, ठीक है, तो विद हेल्प ऑफ दिस 10 मिलीलीटर पिपेट आप इसको अपने, जैसे ये मोहर सोल्ट है तो इस मोहर सोल्ट में डिप करोगे और इधर से माउथ से सक करोगे, इस पे एक स्क्रेच मार्क लगा हुआ है, ये लगा स्क्रेच मार्क, तो इस स्क्रेच मार्क तक आप इसको फिल करोगे, यहां से माउथ से सक करोगे, फर्स्ट फिंगर की हेल्प से प्रेशर को मेंटेन करोगे और इसको मार्क तक फिल करके, यहां तक ही वॉल्यूम रिप्रेजेंट करके, बेटे मार्क ऐसे देखोगे ना, फील हो रहा है आपको मार्क है, इस मार्क तक फिल करके इसको ट्रांसफर करोगे कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। तो इसमें आप 10 मिलीलीटर मोहर सोल्ट ट्रांसफर करोगे, उसके बाद विद द हेल्प ऑफ टेस्ट ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब है, विद हेल्प ऑफ टेस्ट ट्यूब अराउंड 8 ml की होती है बेटा ये, तो ये लिखा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, लिखा है इस पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को इस टेस्ट ट्यूब के अंदर फिल करोगे मोर देन हाफ, तो एक पेन से अपना मार्क बना लोगे कि हर टाइट्रेशन में आप इतना ही इसको फिल करोगे, टिल्ड करके हमेशा एसिड को भरा जाता है, एसिड करोगे आपके हाथ पे गिर जाएगा और आपके हैंड जो है वो जल जाएगा बेटा, तो अपने प्रिकॉशन आपके हाथ में खुद ही होती है कि कितना सेफ्टी से आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हो, तो टिल्ड करके आप टेस्ट ट्यूब को फिल करोगे। तो अब इसके अंदर क्या क्या आ गया, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर 10 मिलीलीटर मोर सोल्ट प्लस हाफ, मोर देन हाफ टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, तो मोर देन हाफ टेस्ट ट्यूब ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि आपको टेबल पे बनी हुई रखी मिलेगी, ये रिएजेंट जो बोतल है उसमें आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा इस तरीके से, और इसमें आपने KMnO4 फिल किया है, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है, KMnO4 को फिल करने से पहले आप इस ब्यूरेट को रिंस करोगे, तो अभी दिखा देते हो कैसे रिंस करोगे, ये आपकी अरेंजमेंट है, सेटअप है टाइट्रेशन का, यहाँ पे आपने क्या किया है, फनल लगाई है और इस फनल को यूज करके वॉश बॉटल की हेल्प से, आप क्या करोगे, इसको पहले वॉश करोगे विद द हेल्प ऑफ वाटर, यानी पहले इसको वाटर से वॉश करोगे, उसके बाद रिंस करोगे विद KMnO4, तो आप KMnO4 लोगे और विद द हेल्प ऑफ फनल आप अराउंड 1-2 मिलीलीटर KMnO4 इसमें ट्रांसफर करोगे और किसी अलग बीकर में इसको निकाल लोगे, ठीक है, यानी अगर इसमें कोई इम्प्योरिटी लगी भी है तो वो इस KMnO4 के साथ बाहर निकल जाएगी और इसमें सब सिर्फ KMnO4 इसके अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो इस तरीके से इसको खाली कर दोगे पूरा, इसको बोल रहे हैं रिंस, हमने इसको रिंस किया है कि इसमें अगर कोई इम्प्योरिटी इसके साथ अटैच है या स्टिक हो रखी है तो वो इम्प्योरिटी जो है अब हमारी क्या होगी, वॉश्ड हो गई है और वो इस दूसरे बीकर के अंदर कलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, जब पूरा ही KMnO4 निकल जाएगा, विद हेल्प ऑफ फनल इस डार्क वायलेट कलर की लिक्विड को आप इसमें फिल करोगे, ब्यूरेट के अंदर फिल करोगे, और इसमें रीडिंग्स कैसे है बेटा, देखो यहाँ पे जीरो है, ये आपका जीरो से स्टार्ट है, जीरो और मिलीलीटर में है, तो जीरो, उसके बाद एक बड़ी सी लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये जो डिवीजन है इंडिकेट 0.5 मिलीलीटर, देन 1, यानी इस ब्यूरेट की जो लीस्ट काउंट है, यानी जो छोटी डिवीजन है वो 0.1 मिलीलीटर है, ठीक है, और ये कितना है, इसकी पूरे की वॉल्यूम है 50 मिलीलीटर,
तो आप इसमें एक बार में 50 मिलीलीटर KMnO4 इसमें ट्रांसफर कर सकते हो। तो इसको भरोगे पूरा, फिल करोगे, फिल करने के बाद जीरो तक इसको मेंटेन करोगे। मेंटेन करने के बाद क्या करोगे बेटा, इसको अपने आई लेवल पे लेके आओगे, ऐसे निकालोगे जहां तक भी आपने फिल किया है, तो इसको अपने आई लेवल पे लेके आओगे। और उसको अपने आई लेवल पे लाने के बाद आप इसकी रीडिंग क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। कभी भी इसको ऐसे नहीं ऑब्जर्व करते हैं, ना इसको ऐसे ऑब्जर्व करते हैं, हमेशा जब भी आप इसकी रीडिंग लिखोगे, नोट डाउन करोगे, तो इसको अपने आई लेवल पे लेके आओगे। और अपने आई लेवल पे लाने के बाद आप इसको ऑब्जर्व करोगे। आपको पता है कि जो लिक्विड है सरफेस टेंशन की वजह से कर्व की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जिसे बोलते हैं मेनिस्कस। तो वैसे तो हम बोलते हैं कि इसमें जो हमारा अपर मेनिस्कस है हमें वही देखना चाहिए, ठीक है। लेकिन बेटा माइंड सेट अपना करो कि जब आप इनिशियल रीडिंग अपर मेनिस्कस देख रहे हो, तो लोअर जब आप रीडिंग देखोगे तो उसमें भी आप अपर मेनिस्कस देखोगे। अगर आप लोअर मेनिस्कस देख रहे हो तो फाइनल रीडिंग भी आप लोअर मेनिस्कस देखोगे, ताकि जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे मैंने अभी बस एक रफ आपको आइडिया दे रही हूँ सिर्फ इसमें, तो यहाँ पे मैंने वैसे ही रफली डाल रखा है मोर सॉल्ट और इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल रखी है। तो अब अरेंजमेंट कैसे करोगे, जो ब्यूरेट है उसकी जो नेक है वो इसमें इस तरीके से आप इसको अरेंज करोगे कि सेंटर में कॉनिकल फ्लास्क के, जिसको हम टाइट्रेशन फ्लास्क भी बोलते हैं, इसको कॉनिकल फ्लास्क भी बोला जाता है और टाइट्रेशन फ्लास्क भी बोला जाता है, तो टाइट्रेशन फ्लास्क के सेंटर में